नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इन दिनों एनसीएल के खदान में कोयले में जो है भारी मात्रा में जो है आग लगी हुई है, लेकिन किसी का भी नज़र जो है उस ओर नहीं जा रहा है। मामला है एनसीएल दुधी जुआ के खदान का। आपको बताते चले कि सीएचपी के पास कोयले का भंडारण है और यहाँ पर जो है एक लंबे समय से आग लगा हुआ है। आग तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि किस किस चीज़ में आग लगा हुआ है। कभी धांधली होता है तो कभी भ्रष्टाचार होता है, कहीं कांटा बाबू निपटते हैं तो कोई और निपटता है। लेकिन सारे चीज़ों को एक किनारे रखते हुए हम आपको बताते चले कि इन दिनों जो है सीएचपी के पास में जो कोयला भंडारण है उस पे व्यापक पैमाने पर आग लगा हुआ है। और जबकि आग लगा हुआ ऐसा नहीं है कि जीएम साहब को इसकी भनक नहीं है, जीएम साहब को इसकी भनक है, लेकिन ना जाने क्या कारण है कि लोग पता नहीं कहाँ मशगूल हैं, इस आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि जो इस कोयले में जो आग लगा हुआ है ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का कोयला है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो खदान के प्रबंधक हैं उनकी नज़रें इस ओर इनायत नहीं है। लोग बताते हैं कि इस समय जब से छापेमार की कार्रवाई हुई है उसके बाद से दुधी चुहा में वैसे ही हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर लोग सारे मामले को दबाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस प्रकार से इस कोयले में आग लगा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को जो है लंबा नुकसान हो रहा है। लोग बताते हैं अब तक जो है लाखों का कोयला जो है जलकर खाक हो चुका है। कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर इस कोयले में जब आग लगा हुआ है तो जो प्रबंधन है, जो जीएम है, उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।